क्यों मैं आगे पढ़ना चाहती थी पर पापा मम्मी ने पढ़ाया नहीं। बहुत ही जल्दबाजी में इन्होंने मेरी शादी कर दी। बड़ा वाला बेटा जो है युवराज, जब वो 1 साल का था ना तो मैंने जॉब शुरू कर दी थी, तो उसके साथ मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया और इसलिए उसे काफ़ी टाइम तक तो पता ही नहीं था कि मैं उसकी मम्मी हूँ। लेकिन अभी भी वो मम्मी नहीं बोलता, माँ वाली फीलिंग नहीं आती उसको। छोटा वाला बेटा, उसकी बारी पे तो मैंने मतलब जॉब कर रही थी तो जॉब छोड़ दी थी और फिर उसके साथ ही टाइम स्पेंड किया है मैंने, पूरा उस पर फोकस रहता है मेरा। लॉकडाउन में ना लोगों से मिक्स नहीं होता था, बात नहीं करता था, फिर यहाँ पे भी बैठा है बच्चों के साथ, अब मिक्स हो जाता है और फिर बच्चों के साथ खेलता भी है, ये सबसे अच्छा पॉइंट निकला मेरे साथ। जब वहाँ पे जाता है कमरे पे तो मुझे बताता है कि मतलब मैडम ने आज ये सिखाया, आज मुझे चिड़िया रानी की पोयम सिखाई थी, आज हमने जंपिंग करी, जैसे एक्टिविटी आकारों की खोज हो गई और ये ट्रायंगल कैसा होता है, समोसा ट्रायंगल होता है ना मम्मी, पंखा गोल होता है, मम्मी तुम्हारी चूड़ी गोल है, बताता रहता है। कलर पहचानने के लिए माला दी थी तो उसमें कलर पहचानता है, उनको गिनता है। चार ग्रुप हमारी नाम है मदर्स ग्रुप का, मैं पहले किसी से बात नहीं कर पाती थी लेकिन मुझे घर से निकाल कर बाहर लाकर खड़ा कर दिया, सबके साथ बिठा दिया और इन्होंने जिस तरीके से मुझे समझाया बताया, मैंने अपने बच्चों को सिखाया। महिला पार्क में गए थे हम, वहाँ पर भी मतलब अच्छा लगा सबके साथ मिलके, वहाँ पे एक्टिविटी भी की, मैं बचपन के बाद पहली बार खेली होंगी वहाँ पर जाकर। मैं चाहती हूँ कि दोनों बच्चे जो ना वो बहुत आगे बढ़े, वो MA करे, कुछ आगे बढ़े, अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाएगा ना, हमारी तरह धक्के नहीं खाएगा। अपने लिए तो मैंने कभी सोचा नहीं, बच्चों के लिए जिंदगी दी है मैंने तो।